एनुअल डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक बहुत ही अहम समय से गुजर रही है, जहां पे दुनिया में दो दो युद्ध जारी हैं और वहीं तृतीय विश्व युद्ध का आगाज होने शुरू है। ऐसे में हर देश अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स और फाइटर जेट्स की धार लगातार बढ़ाता चला जाता है। यही वजह है भारत भी अपने फाइटर जेट्स को नए नए और फ्यूचर इनोवेटिव वेपन से लैस कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेजस फाइटर जेट में फ्यूचर जनरेशन के कुछ हथियार और नई पीढ़ी के मिसाइल सिस्टम्स LCA में लगाए जा सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक समझौता किया है, जिसमें कि भविष्य में इस शानदार फाइटर जेट तेजस LCA में नए नए इनोवेटिव और फ्यूचर जनरेशन के मिसाइल और हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भविष्य में लगने वाले हथियारों और सेंसर्स के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ADA इन हथियारों के लिए सेंसर्स का निर्माण करेगा, ताकि भारतीय वायुसेना समय रहते इन सेंसर्स वेपन इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ साथ फ्लाइट टेस्टिंग करने के बाद तेजस फाइटर जेट में इस तरह के एडवांस और फ्यूचर जनरेशन के वेपन इंस्टॉल कर सके। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से भविष्य के हथियार LCA तेजस फाइटर जेट में लगाए जा सकते हैं। इनमें अस्त्रा MK3 मिसाइल हो सकती है, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 350 किलोमीटर की है और यह अधिकतम 66,000 फीट ऊंचाई पर जाकर इसे दागा जा सकता है। इसके साथ साथ तारा यानी टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, जो कि एक स्ट्राइक एजेंट ऑफ वेपन भी से कहा जाता है और यह एक गाइडेड हथियार है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में मीडियम रेंज के नेवल एंटीशिप मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा रुद्रम मिसाइल के साथ साथ ब्रह्मोस NG भी इनमें लगाए जाने की खबर है। अगर फ्यूचर में इस तरह के वेपन तेजस फाइटर जेट में लगाए जा सकते हैं तो यह फाइटर जेट दुनिया के सबसे उन्नत श्रेणी के फाइटर जेट में शामिल हो जाएगा और भारत की शक्ति भी कई गुना बढ़ सकती है। नमस्कार।